यकुगु, तुम डिफेंस देखो। डार्क प्रिज़न शाउडर। यकुगु, हमें मुखीकी को टाइम देना होगा। समझ गए ना? पूरे लोगों को एंड्रू को चोट पहुंचाने नहीं दे सकते। डार्क प्रिज़न शाउडर। लगता है वीर खतरे में है। वीर, अय्या, अय्या, वीर, मैं आ रहा हूँ। अय्या, इस हॉस्पिटल में ऐसे कैसे हो सकता है? ये कुछ तो अजीब है। वीर अभी भी बाहर है और मौसम भी खराब हो रहा है। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। वीर बेटे, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी पहुंच रहा हूं। वीर, मेरे भाई, मुझे बाहर आना है। आखिर मेरा इलाज कब तक खत्म हो जाएगा? ट्रीटमेंट तो हो गया, लेकिन अब तक एंड्रयू जागा नहीं। शरीर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मामले में तो केवल एक ही चीज संभव है। एंड्रयू की जो सेंसेस है वो उसके शरीर के साथ जुड़ना नहीं चाहते है। मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? ये कुकी की ताकत कमजोर होती जा रही है। मुझे वीर की मदद करनी होगी। एंड्रयू, मुझे नहीं पता तुम किस वजह से जागना नहीं चाह रहे हो। इस समय अब सिर्फ तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। मेरे भाई, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। वीर, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मम्मी, एंड्रयू, मामा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं तुम्हें जगाऊंगी नहीं। तुम्हें लॉकेट पहना देती हूँ। हाय मम्मी। बेटा, तुम्हें जगाने का यही तरीका था। जब तक तुम्हारे गले में ये रहेगा, तुम सुरक्षित हो। ये लॉकेट तुम्हें शरीर से बाहर निकलने में मदद करेगा। ये तुम्हारा कवच है। चेतना, अलग दुनिया। मम्मी, आप ये क्या बोल रहे हो? वक्त आने पर समझ जाओगे बेटा। एंड्रयू, पर जब तुम्हारा ध्यान भटकेगा, तुम दूसरी दुनिया से वापस आ जाओगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। एंड्रयू, तुम्हें वहाँ ट्रीटमेंट मिल जाएगा, तुम खुश रहो। ये एक अलग दुनिया है। अरे, मैं तो बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ। वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ, कूद सकता हूँ। ये मैं एंड्रयू हूँ। अब से मैं हाफ फेस हंटर कहलाऊंगा। नहीं, नहीं, अगर ये बॉडी में वापस आ गया
तो ये सिर्फ बिस्तर पर पड़ा रहेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वीर खतरे में है, मैं अब क्या करूं? बचाना होगा। अगर मुत्तु स्वामी यहाँ पे होता तो मैं स्ट्रॉन्गर होता। आइए रामा, लगता है याकुकु और वीर की शक्तियाँ गायब हो रही हैं। वीर मैं आ रहा हूँ। तुम हार गए, नेकलेस मुझे दे दो। वो अभी तक हारा नहीं है। अभी यहाँ से भाग जाओ वीर। मेरे सामने मत आओ दोस्तों। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया मुक्की, लेकिन तुम यहाँ से भाग जाओ, वो बहुत ही खतरनाक है। उसका निशाना मैं हूँ, लेकिन मेरे पास लड़ने के लिए कोई भी एल्फ नहीं है। एल्फ? मैं भी तो एक एल्फ ही हूँ। मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो वीर। तुम? तुम्हारे साथ? Fairy foam body activate. I'm fairy warriors combined. Ha! यहाँ तक कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए तो कैसा बेकार, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमला कर रहा है। एक आइडिया। वो क्या? जल्दी चलो मेरे साथ करो। भागो। ओ, हम बच नहीं सकते। इसे क्या हुआ? भ्रमित बेश, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अभी दुश्मन भ्रमित है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब हमारी बारी है। मुकुकी, तुम बहुत ताकतवर हो। क्या सच में? मुक्की, क्या तुम ठीक हो? मैंने ज्यादा पावर यूज कर लिया, अब मेरे पास ज्यादा शक्ति बिल्कुल भी नहीं बची है। तुम ठीक तो हो? डिटेक्शन कंप्लीट हुआ, हमें चकमा दिया गया, फिर हम पर हमला किया गया। लगता है तुम घायल हो, जल्दी से अपनी एनर्जी रिस्टोर करके लड़ो। हमने दुश्मन को चोट पहुंचा दी है, अब तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। वीर, जरा संभल कर। डार्क प्रिज्म शाउडर। सब मेरी गलती है, मैं सब भूल जाता हूँ। एक बार शक्ति कमजोर हो जाने पर फॉरेस्ट एरे की भी शक्ति कमजोर हो जाएगी। आया आया
आया, फॉरेस्टर की शक्ति कमजोर हो रही है, मुझे जल्द पहुंचना होगा, कहीं देर ना हो जाए। वीर, एंड्रयू की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई है, फिर भी वो अब तक जगा नहीं है, पता नहीं क्यों, अगर हम हार गए तो। मेरा भाई एंड्रयू। मुक्की की, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने भाई एंड्रयू को जगाना ही होगा। क्या इतनी लंबी चोट लगी, ये तो फिर भी लड़ना चाह रहा है। हमेशा से ही मेरा भाई अकेला रहा है और उसने हमेशा मुझे बचाया है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरी बारी है अपने भाई को बचाने की। वीर, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो तुम किस बात से परेशान हो? मैं, तुम चिंता कर रहे हो कि जागने के बाद तुम अस्पताल में रहोगे? इतनी सी छोटी बात, इसके लिए तुमने उसको खतरे में डाल दिया। तुम्हारी रक्षा के लिए वो बार बार लड़ता रहा, हर हाल में लड़ता रहा, तुम्हारे लिए हर वक्त में खड़ा रहा। वो तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा है और वो तुम पर कितना विश्वास करता है, और इतनी छोटी सी बात के लिए और तुम यहाँ उदास खड़े हो? उठो हाफिज हंटर, याद करो कि एल्फ दुनिया में साहस के साथ वास्तविकता का सामना करते हैं, समझे? जाओ और वीर और अपने परिवार के लिए लड़ो, साहस दिखाओ, हिम्मत दिखाओ, जाओ। वीर, वीर, मैं आ रहा हूं। हाँ, वो बच्चा, वो कई सालों से कोमा में था। वो बच्चा कोमा से उठ गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कमजोर हूँ या ताकतवर, मुझे वीर की रक्षा करनी है। वो हमेशा अपने भाई की रक्षा करता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आ रहा हूँ वीर, मैं आ रहा हूँ। अब मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मुझे सिर्फ अपने परिवार की रक्षा करनी है। मैं आ रहा हूँ वीर। अब मेरी बारी है अपने भाई को बचाने की। तुम कितनी ही ताकत क्यों ना लगा लो, लेकिन कुछ ही मिनटों तक रुक सकते हो बस। अयो, अयो, वीर! बस क्या? बहुत अच्छे, आखिरकार एंड्रयू नींद से जाग ही गया, क्या बात है? वीर, मैंने वो सब सुना था जो तुमने कहा मेरी रक्षा करने के लिए, अब तुम्हें कुछ और भी करना है। हाँ तो फिर मुझे क्या करना होगा? तो सुनो, अब मैं लड़ूंगा। एल्बर्ट, एंड्रयू, तुमने अब फाइनली मुझे याद कर लिया, मुझे माफ कर दो, क्या हम एक बार और लड़ाई को जारी रख सकते हैं? हाँ, मैं भी तैयार हूँ। मुझसे लड़ने के लिए एक और आदमी, आओ देखते हैं तुम्हें भी। हम्म?
क्या? ये क्या? यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ से जल्दी भागो। अब देखते हैं तुम इस करंट से कैसे बचोगे। भाई तुम ठीक हो ना? अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ, तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। बहुत अच्छे, थैंक यू मुक्की की मुक्की की। कोई बात नहीं। आई वीर मुत्तु स्वामी, तुम कहाँ चले गए थे? मैं काम पूरा करके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी। फिर से एंड्रयू, जरा उधर देखो। कोई इसको रोको, वरना वो पूरे शहर को खत्म कर देगा। बड़ी मुत्तु स्वामी, चलो शुरू करें। हम उसे अपनी शक्ति से कभी नहीं रोक सकते। तो फिर हम क्या करें? केवल इस वक्त और इस समय पर उसे एल्फ दुनिया भेजने के लिए नेकलेस ट्रेन बुलानी होगी। ये वक्त है स्पेशल ट्रेन के आने का। नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे नहीं। स्कारलेट और जैलन को क्या हुआ होगा? चलो वापस जाके देखते हैं। अरे यार, ये दुनिया कितनी अच्छी है जी। मैं यहाँ का राजा बन के रहूंगा, खूब घूमूंगा, लेकिन यहाँ से नहीं जाऊंगा रे। मुत्तु स्वामी, ये इंसानों की दुनिया है, अगर तुम चाहो तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ। ये दुनिया कितनी अच्छी है, मैं हमेशा यही खेलूंगा। लोग कितना साथ देते हैं। बिल्कुल नहीं। यहाँ आके मेरे को समझ में आया कि इंसानी दुनिया इतने खूबसूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं जी। मैं एल्फ वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपरस्टार हूँ, और मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मैं अपनी एल्फ की दुनिया में वापस जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि उसे और भी बेहतर बनाऊँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अय्या हाँ, अब हमने फैसला ले लिया, चलो अब हम लोग चलते हैं। ट्रेन और यहाँ पे वीर, 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 वीर। वीर, तुम कहाँ जा रहे हो? बताने का टाइम नहीं है, मैं जल्दी ही मॉम को लेके वापस आऊंगा। पापा, आप चिंता मत करो। पापा, आखिरकार ये हो क्या रहा है?